Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Let's talk about maturation ponds. Again, these are another type of stabilization ponds which can be used as secondary treatment of wastewater. Basically, इसमें करते क्या है? इसमें aim किया जाता है कि जो microorganisms हैं और जो pathogens हैं present wastewater में उनको remove किया जाए. These maturation ponds basically come at the last of the other units present in the wastewater treatment plant. The main objective obviously is the removal of pathogens. Economical alternative for disinfection. हमने पहले भी पिछले लेसन में पढ़ा था कि different chemical agents, different chemical disinfectants can be used to treat wastewater to remove and kill pathogens present in the wastewater. Obviously that is expensive plus उसके side effects भी हो सकते हैं environment के ऊपर. So उसका easy way out क्या है? These maturation ponds. इसमें हम कंडीशंस ऐसी रखते हैं कि द बैक्टीरिया एंड द पैथोजेंस विच आर प्रेजेंट इन द वेस्ट वाटर विच आर स्टिल प्रेजेंट इन द वेस्ट वाटर आफ्टर द ट्रीटमेंट फ्रॉम अदर स्टेबलाइजेशन पॉन्ड्स उनको हम रिमूव कर सकें बाय किलिंग देम. द मैच्योरेशन पॉन्ड इज डिजाइन इन सच अ वे टू ऑप्टिमाइज वेरियस फैक्टर्स दैट कैन कंट्रीब्यूट इन द किलिंग ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं. फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर आ सकता है, पीएच हो सकती है, फूड शॉर्टेज, रेडिएशन and competition with other microorganisms and other organisms. Certain toxic compounds can be introduced and obviously the predator organisms are there as well. So ye sari cheeze operate karti hain in maturation pond and these result in the killing of the pathogens present in the wastewater. Again, remember these maturation ponds are mostly present downstream of other units which are used for the treatment of the wastewater. Pehle wastewater wahan se treat hoke phir maturation pond mein pahunchta hai और यहाँ पे उसको फाइनली एक तरह से पॉलिश किया जाता है कि जो बायोमास या जो पैथोजन यहाँ वहाँ पे बाकी रह गए हैं उनको हम रिमूव कर सकें. नाउ मैनी ऑफ दीज मैकेनिज्म्स एंड पैरामीटर्स विच आर यूज्ड टू किल बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, फॉर एग्जांपल पीएच, टेम्परेचर एंड सो मेनी अदर थिंग्स, दोज ऑपरेट बेस्ट इफ द पॉन्ड्स आर शैलोअर. अगर पॉन्ड्स की गहराई कम हो तो वो पैरामीटर्स ज्यादा बेहतर ऑपरेट करते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, बैक्टीरिया, पैथोजेंस की किलिंग ज्यादा बेहतर तरीके से हो सकती है. सो दैट्स वाई दीज मैच्योरेशन पॉन्ड्स आर मच शैलोअर सो दैट मच हाई एफिशिएंसी कैन बी अचीव्ड. आप देख सकते हैं कि कोलीफॉर्म रिमूवल की एफिशिएंसी जो है वो अप टू 99.99% तक अचीव की जा सकती है. व्हाट आर कोलीफॉर्म्स? दीज आर बेसिकली बैक्टीरिया विच बिलोंग टू द इंटेस्टाइन, मोस्टली एंटेरिक बैक्टीरिया में आएंगे. टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी मैच्योरेशन पॉन्ड्स कैन बी डिजाइंड एज 3 or 4 पॉन्ड्स इन अ सीरीज और सिंगल पॉन्ड विद बेफल्स. वी कैन इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एनी पॉन्ड, सेम गोज विद मैच्योरेशन पॉन्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग सम स्ट्रेटजीज. फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर कि या तो हम 3-4 डिफरेंट मैच्योरेशन पॉन्ड्स को बना के इंटरकनेक्ट कर सकते हैं और सीरीज में, सो दैट द पैथोजन लोड इज डिक्रीज इवेंचुअली एज द वेस्ट वाटर पासिस थ्रू दीज कनेक्टेड मैच्योरेशन पॉन्ड्स. और वी कैन हैव अ सिंगल पॉन्ड मैच्योरेशन पॉन्ड विद बैफल्स ताकि उसमें वेरिएशन बेहतर हो सके तो रिजल्ट्स ज़्यादा बेहतर अचीव होंगे. दिस वॉज अबाउट मैच्योरेशन पॉन्ड्स. आई विल सी यू इन नेक्स्ट लेसन्स.